हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस में नेक्स्ट टॉपिक ऊजेनेसिस। इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ फोर हैप्लोइड सेल्स एंड योक फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, चार हैप्लोइड सेल फॉर्म होती है और योक फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग इनसाइड ओवरी। इन प्रोसेस क्या है, ओवम या एग के फॉर्मेशन होने की प्रोसेस है कहाँ पर, ओवरी के अंदर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए सेल इज डिटेक्टेड फ्रॉम द जर्मिनल एपिथीलियम एंड एंटर्स टू द कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी। एपिथीलियम से डेवलपमेंटल स्टार्ट करके कॉर्टेक्स तक पहुँचने के वाली प्रोसेस के अंदर ओवरी के अंदर होती है प्रोसेस। The potential cell and called as primordial germ cell। ये process epithelium से start होकर cortex तक पहुँचती है ओवरी के अंदर, और जो potential cell होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, primordial germ cell बोलते हैं। This process involves following steps। इस process में कुछ basic steps हैं, जैसे multiplication phase, एक है मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरी है ग्रोथ फेज, तीसरी है मैचुरेशन फेज। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन फेज, द प्रोसेस द प्राइमोर्डियल जर्म सेल ट्रांसफर इनटू द एग मदर सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल ट्रांसफर होती है किसमें, एग मदर सेल में। द माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यूज, माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यू होता है एंड फॉर्म्स ओगोनिया। क्या बनाता है, ओगोनिया बनाता है। आउट ऑफ टू ओगोनिया वन टेक पार्ट, दो ओगोनिया बनाता है उनमें से एक में ओजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है एंड रेस्ट चेंजेस इनटू द नर सेल्स। एक तो ओजेनेसिस कंप्लीट करता है, दूसरी नर सेल्स में कंप्लीट हो जाती है और फॉलिकल। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है, ट्रांसफॉर्म इनटू द एग मदर सेल्स, ठीक है। इसमें माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस होता है, दो सेल्स बनती हैं, एक तो बन जाएगी अपनी प्रीमोर्डियल प्राइमरी ओसाइट, ठीक है, और दूसरी किस में कन्वर्ट होती है, ओगोनिया में। ये प्रोसेस टेक प्लेस करेगी ओजेनेसिस वन आउट ऑफ टू ओगोनिया, इन दो में से ओगोनिया में से दो ओगोनिया में से एक ओजेनेसिस कंप्लीट करता है और दूसरी में फॉलिकल या नर सेल्स बन जाती हैं। दूसरी स्टेज है ग्रोथ फेज। इन दिस फेज नेसेसरी न्यूट्रिशन आर सिंथेसाइज्ड एंड डिपॉजिटेड। इस फेज में क्या होता है, नेसेसरी न्यूट्रिशन सिंथेसाइज्ड होता है और डिपॉजिट होता है। द ओगोनिया इंक्रीज अनएक्सेप्टेडली इन साइज विच इज प्राइमरी ओसाइट। जो ओगोनिया है वो साइज में इंक्रीज होती है और क्या बनाती है, प्राइमरी ओसाइट बनाती है। इन मैमल्स द ग्रोथ ऑफ ओसाइट इज बाय फॉलिकल सेल। मैमल्स में क्या है, ग्रोथ ऑफ ओसाइट फॉलिकल सेल से। इन एग लेइंग एनिमल्स फॉर्मेशन योक टेक प्लेस इन लिवर। और जो एग लेइंग यानी हम ऐसे बात कर सकते हैं ओविपरस एनिमल्स होते हैं, उनमें योक का फॉर्मेशन कहाँ कंप्लीट होता है, लीवर के अंदर होता है एंड इट ट्रांसफर टू द ओसाइट थ्रू द मदर्स ब्लड। और ये एग के अंदर ट्रांसफर कैसे होता है, मदर के ब्लड के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। द ग्रोथ फेज कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पीरियड्स। अब ग्रोथ फेज को भी दो पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, प्री विटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस। दो प्रोसेस हैं, प्री विटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस। फर्स्ट है प्री विटेलोजेनेसिस। इन दिस फेज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों इंक्रीज होते हैं। इन दिस स्टेज द लैम्ब्रोस क्रोमोजोम्स आर फॉर्म्ड। इस प्रोसेस में लैम्ब्रोस क्रोमोजोम फॉर्म्ड होते हैं, ये स्पेशल टाइप के क्रोमोजोम है, इसके बारे में हम लोग पहले जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं।
लैम्ब्रोस क्रोमोसोम आर फॉर्म एंड दे हेल्प इन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ, जो इसकी साइज और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही प्रोसेस के लिए। दूसरी है विटेलोजेनेसिस। इन दिस स्टेज ओवम इज ऑर्गेनाइज्ड विद साइटोप्लाज्म। इस प्रोसेस में क्या होता है, ओवम ऑर्गेनाइज्ड होता है साइटोप्लाज्म के साथ में, ग्लाइकोजन के साथ में, कार्बोहाइड्रेट के साथ में, फैट और प्रोटीन्स के, यानी ओवम के अंदर ये ग्रोथ डेवलपमेंट होते हैं इन चीज़ों का। दैट इज योक सिंथेसाइज्ड एंड डिपॉजिटेड। ये क्या है, योक होता है जो सिंथेसाइज किया जाता है लीवर में और डिपॉजिट किया जाता है। केमिकली योक, अब योक के अंदर क्या क्या होता है, 48.7% वाटर होता है, 16.7 प्रोटीन्स होते हैं, 32.6 फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड फैट एंड 1% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। विरागी इसी प्रोसेस को ओगोनियम है, ओगोनियम साइज में इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि इसको फॉलिकल सेल या नर सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं जिससे साइज में इंक्रीज होती है। और इंक्रीज साइज्ड ऑफ ओगोनियम ये प्रोसेस कहलाती है प्री विटेलोजेनेसिस। ठीक है, फिर प्री विटेलोजेनेसिस के बाद में दूसरी प्रोसेस आती है विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस में क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन है इसकी स्टेज में ओवम में डेवलपमेंट होता है, तो ये ओगोनियम होगी, ओगोनियम में लैम्ब्रोस क्रोमोसोम बन जाते हैं, ये इसका साइटोप्लाज्म हो जाता है, और ये योक है, योक ट्रांसफर किया जाता है लीवर से कहाँ पर, मदर ब्लड के थ्रू एग के अंदर। ठीक है, ये प्री विटेलोजेनेसिस, ये विटेलोजेनेसिस, दो प्रोसेसेस कंप्लीट। फिर और डेवलप्ड स्टेज देखिए, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ओम का, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसके अंदर वाटर कंटेंट है, ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, कंप्लीट सेल क्या हो जाती है, ओगोनियम हो जाती है। नेक्स्ट है मैचुरेशन फेज। मियोसिस टेक्स प्लेस इन टू स्टेजेस। इसमें मियोसिस दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है, टू स्टेजेस में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है, मैचुरेशन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। फर्स्ट टाइम मियोसिस, फर्स्ट द प्राइमरी ओसाइट डिवाइड्स इनटू टू अनइक्वल सेल। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट्स दो अनइक्वल सेल्स में डिवाइड होती है, वन इज वेरी बिग एंड योक्ड एंड अनदर इज वेरी स्मॉल। एक बहुत बड़ी होती है जिसके अंदर योक होता है, और दूसरी क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है। बिग सेल इज द सेकेंडरी ओसाइट, और जो बड़ी सेल है वो सेकेंडरी ओसाइट होती है, एंड द स्मॉलर सेल इज द फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो स्मॉलर सेल है वो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है। आफ्टर सेकेंडरी मियोसिस इन बोथ द सेल, दोनों ही सेल में सेकेंडरी मियोसिस के बाद में क्या होता है, द लार्जर सेल्स फर्दर डिवाइडेड इंटू टू अन इक्वल सेल। लार्जर सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है एंड फॉर्म्स द ओवम, और क्या बनाती है, ओवम बनाती है। फर्स्ट सेल एंड द अदर इज फर्स्ट सेल एंड द अदर सेल इज द स्मॉलर द सेकेंड पोलर बॉडी। एक बड़ी सेल बनती है, एक छोटी बनती है, और जो छोटी बनेगी वो सेकेंड पोलर बॉडी हो जाएगी। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द ओवम टेक्स प्लेस ओनली इन द पोलर बॉडीज आर डिजेनरेटेड। जो क्या बोला, रिप्रोडक्शन के टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द ओवम टेक्स प्लेस ओनली द पोलर बॉडी, जो ओवम टेक्स प्लेस करता है वो पोलर बॉडी होता है और डिजेनरेट। ये प्राइमरी ओसाइट है, मियोसिस फर्स्ट होगा, दो सेल बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी, और दूसरी क्या हो जाती है, ये सेकेंडरी ओसाइट हो जाता है। ठीक है, बिगर सेल है जो विद योक सेकेंडरी ओसाइट, ये फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर मियोसिस सेकेंड होता है, प्राइमरी ओसाइट है, मियोसिस सेकेंड हो गया, इससे ओवम बन जाएगा, और जो स्मॉलर सेकेंड सेल हो जाती है वो सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है।
ये अपना ओजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद में हम लोग ओजेनेसिस पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। थैंक यू।